Coming in from the Rashtrapati Bhavan. The ceremonial reception there, in fact, taking place right now at the Rashtrapati Bhavan. पर स्वागत किया जाएगा और इस औपचारिक तौर पर स्वागत के बाद अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलते हुए और औपचारिक स्वागत के लिए समारोह पूर्वक स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के परिवार से मिलते हुए उनके बच्चों से भी मुलाकात करते हुए और खासतौर पर उस बच्ची को उन्होंने गले लगाया है जिनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें थीं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री कनाडा के दौरे पर गए थे तो उन्होंने इस बच्ची के बहुत ही प्यार के साथ बच्चे के इस बच्ची के कान भी खींचे थे। तो वो जो पूरा परिवार जस्टिन ट्रूडो का है इस वक्त आप देख रहे हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रूडो दंपति और उसके साथ उनके तीन बच्चे। तो ये फोटो अप जब कनाडा के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं और उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री इस वक्त उनके परिवार से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत समारोह पूर्वक स्वागत करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। वो पहुंच चुके हैं और ये फिलहाल आगे बढ़ते हुए का कार्यक्रम देखा। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री काफी पहले ही आ गए थे भारत और फिलहाल वो निजी यात्राएं कर रहे थे लेकिन आज औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया है। आज क्या कुछ औपचारिक कार्यक्रम है और क्या कुछ सहयोग की संभावना है दोनों देशों के बीच? जी, एक बड़ा दिन है आज क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी औपचारिक बातें होंगी, बातचीत होगी हैदराबाद हाउस में। अब हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पूरी फैमिली खड़ी है राष्ट्रपति भवन में और आप देख सकते हैं उनके बच्चे भी खेल रहे हैं, वो क्या कैप से भी खेल रहे हैं। बट बहुत लंबी ये यात्रा थी, करीब बहुत सारे सिटीज गए, आगरा गए, वो मुंबई गए, अहमदाबाद गए, अमृतसर गए और बहुत सारे इवेंट्स थे और एक बड़ा डेलीगेशन था जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी थे और उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर थे और सारे मंत्री थे। मैं बता दूं कि कैबिनेट में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के मेंबर्स हैं और फोकस यही है कि कैसे भारत और कनाडा के बीच में जो बायलैटरल टाइज है वो बढ़ाई जा सके और फोकस